आज सोशल मीडिया में लोगों को इन्फ्लुएंस करने के चक्कर में नर्मदा नदी में गिरकर इंदौर में एक बच्चे ने अपने प्राण गवा दिए, उसके साथ उसका दोस्त या भाई भी कूदा, वो भी मर गया। तो ऐसे काम ना करें। आप यकीन मानिए आधे से ज़्यादा ये नकली होते हैं, लाइक और फॉलो नकली होते हैं, आधे से ज़्यादा खरीदे हुए होते हैं। और आप ये जो फिल्टर लाइफ है इससे बाहर निकल के देखिए, ना उनकी आंखें वैसी होंगी, ना उनकी नैन नक्श वैसे होंगे। अधिकतर लोग इतना ज्यादा फिल्टर यूज करते हैं कि नैन नक्श ही बदल जाते हैं उनके। विदाउट फिल्टर वो बाहर निकल ही नहीं पाते और देखकर आप उन्हें पहचान भी नहीं पाते। आप कहते हैं अरे ये है वो, ये व्यक्ति है, ये महिला है, तो इनको तो सबने पहचानना चाहिए ना। फिर जब बाहर जाते हैं तो इस होड़ में मत रहिए आप, ठीक है। सोशल मीडिया को सोशल मीडिया की तरह यूज करें। हर कोई इसमें पैसे नहीं कमा रहा है। और ब्रांड क्या पागल है कि हर किसी को वो दे देंगी? कई लोग तो फ्री के आइटम्स के चक्कर में जबरदस्ती किसी प्रोडक्ट को दिखाते हैं कि हम इसे इंडोर्स कर रहे हैं। वो इंडोर्स नहीं कर रहे होते। इस वक्त आप कहें टीवी टेलीविजन की दुनिया में शहनाज कौर गिल को बहुत अच्छा काम मिला हुआ है। वो फिल्मों में भी अच्छा कर रही है, एंडोर्समेंट में भी अच्छा कर रही है। एक टाइम था जब करीना कपूर फिल्मों में नहीं चल रही थी, लेकिन एंडोर्समेंट में वो पहली पसंद मानी जाती थी। तो ब्रांड की अपनी पसंद होती है। आप उन्हें 10 लोग 15 लोग हेट कर सकते हैं, लेकिन ब्रांड के साथ कौन सूट कर रहा है वो मायने रखता है। कोई क्रिकेटर होता है, कितने सारे लोग हैं, वो मिलियन डॉलर्स के ऐसे ही नहीं साइन करते। तो आप थोड़ा समझो, ये सिर्फ लाइक और फॉलो के चक्कर में अपनी जिंदगी जहन्नुम मत बनाओ। चलती ट्रेन के पास से कूदना, आपको क्या लग रहा है आपका वो लक्स का अंडरवेयर आप पहन कर वो जो कूद रहे हो, आप बड़े हीरो लग रहे हो उसमें? वो लिंगड़ी सी बॉडी में पतले दुबले से कौन लड़की आपको पसंद करेगी? कौन पसंद कर रहा होगा आपको? एक होड़ होती है, जब 2 घंटे लोग रील में क्राफ कर रहे होते हैं ना, ऐसे ऐसे देख कर ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, तो वो सबको लाइक करते जाते हैं। वो ऐसा भी कि आपको पसंद कर रहे हैं, वो सबको लाइक करते जाते हैं। हम भी करते हैं कभी कभी, ऐसे साइकोलॉजिकल होता है। तो प्लीज अपने माँ की कोख का सम्मान करो। 9 महीने पेट में पला है, ऐसे कहीं भी कूद के, नदी में कूद के, जब तुम्हारी स्विमिंग अच्छी नहीं है या स्विमिंग नहीं आती है, कोई मुझसे कहेगा 2 घंटे बटरफ्लाई कर ले, मैं तो नहीं कर सकती बटरफ्लाई स्विमिंग। सिंपल वाली स्विमिंग कर सकती हूँ, हल्की फुल्की। पर मुझसे अगर कोई कहे 1 घंटा स्विमिंग करनी है, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मैं तो मना कर दूंगी। हल्की फुल्की 5-6 फीट में आदमी स्विमिंग कर सकता है। लेकिन जिस चीज में मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं सोचू कि मैं 20 फीट में जाके अच्छी स्विमिंग कर लूँ, तो दैट इज नॉट कूल, ये तो मैं नहीं करूंगी। आपको ये समझना चाहिए कि हर कोई जो है इस तरह की हरकतें करके के स्टार नहीं बनने वाला। अगर आप ये सोच रहे हो, इस गलतफहमी में हो कि हम नर्मदा नदी से कूद मार देंगे, चलती ट्रेन के नीचे से कूद जाएंगे, या अर्धनंग शरीर के साथ हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, या हम बाइक में उल्टा बैठ के किस करते हुए निकल जाएंगे और हम बॉलीवुड के एक्टर बन जाएंगे, तो नहीं होगा ऐसा। पुलिस आपके खिलाफ FIR रजिस्टर करेगी। आप कहेंगे ना कि मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूँ, नहीं, क्यों नहीं? कुछ चीज अच्छी मानी जाती है आपके गलत बिहेवियर से। कुछ चीजें आपकी बेडरूम के लिए है, और जो चीज आपकी बेडरूम के लिए है आपको, और गलत लोग तो गलत ही होते हैं। अगर उनकी कोई पत्नी नहीं है, उसके साथ वो सार्वजनिक स्थल में अंटशंट काम कर रहे हैं, तो वो ये भी नहीं कह सकते मेरी पत्नी है, मैं इसके साथ कुछ कर रहा हूँ, नहीं, वो भी ये भी नहीं कह सकते। और अगर आपकी पत्नी भी होती है तो भी लोग कहते हैं कि भैया घर में जाके करो। अगर वाकई में वो आपकी पत्नी भी नहीं है, तब तो लोग आपको जूते ही मारेंगे, क्योंकि ये समाज ही ऐसा है, और समाज की भी गलती नहीं है। कोई लड़की अगर लिविन में रह रही होगी और वो उसको प्रमोट कर रही होगी, अगर आपकी बेटी कहेगी मैं ऐसे रहना चाहती हूँ, तो आप उसे प्रमोट करोगे? आप कहोगे उसकी तरह बननी चाहिए मेरी बेटी या उस आदमी की तरह? आप उन दोनों को घर में नहीं आने दोगे। बुरे लोगों को लोग बुरा ही देखते हैं। आप चाहे कितने भी मॉडर्न बनने की कोशिश करो, गलत चीजें गलत ही होती हैं, और वो बहाने बनाते हैं, फिर उस चीज को छुपाते हैं और गलत काम करते हैं। तो आप इन चीजों से सोशल मीडिया पे बचो। आज 2 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है इंदौर में। उनके घर में शायद इस वक्त मातम छाया होगा। हम लोग डिबेट कर रहे थे, मैं देख रही थी क्या मनोविज्ञान है, हर कोई ये बोल रहा है। 30 साल से ऊपर के लोग हैं और सब एक ही चीज बोल रहे हैं, लाइक फॉलोअर्स, लाइक फॉलोअर्स, लाइक फॉलोअर्स। अरे डू अ रियल जॉब। आप अगर यही करते रहोगे, आप रियल जॉब कैसे करोगे लाइफ में? कैसे कमाओगे धमाओगे? हर कोई चाहता है मैं सोशल मीडिया से कमाऊं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कोई कमा पाएगा, ठीक है? तो साइड में अपनी एजुकेशन को अच्छा रखो, पढ़ाई लिखाई को अच्छा रखो, और अच्छी अच्छी चीजें कुछ करो। प्रसिद्धि पाने के कुछ अच्छे तरीके भी हैं, वो भी अपना लो।
लाइफ में जो पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, वो उस फील्ड में है। एक नॉर्मल लाइफ में आप ढल जाओगे फिर क्या करोगे बताओ? समाज से भी कट जाओगे और कोई नॉर्मल काम भी नहीं कर पाओगे, कोई बिजनेस कोई जॉब वो नहीं कर पाओगे। तो अपने आचरण को ऐसा रखो कि आप किसी भी काम में जाओ तो लोग आपका मखौल ना उड़ाए, ना आपको किसी चीज से फर्क पड़े। कोई बात मैंने गलत तो नहीं कही है, इसे भी पसंद करना नहीं करना आपके ऊपर है। जहाँ तक मुझे लगता है मैंने जो कहा है मेरे हिसाब से बिल्कुल सही कहा है, बाकी आपकी मर्जी।